अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैथ, क्लास फोर का लेक्चर नंबर 7। उम्मीद है आप सब ने कल का लेक्चर बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, लेक्चर नंबर 6, और आपको समझ भी आ गई होगी। आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। हमें उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमने क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हम इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं, पार्ट ए को देखते हैं हम। ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, वैल्यू हमारे पास 61964 मल्टीप्लाई है 279 से। ठीक है, यानी 61964 हमें वैल्यू दी गई हुई है, जिसको हमने यानी कि हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेंड है, और मल्टीप्लायर क्या है हमारे पास 279 हमारे पास क्या है, मल्टीप्लायर है। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। देखें 9 4 36 का हमने 6 लिखा और 3 कैरी चले गया। 9 6 53 53 और मैं 3 ऐड किया तो मेरे पास क्या आया, 9 6 54 54 में 3 ऐड किया 57 का 7 लगाएंगे हम और 5 कैरी चले जाएगा। 9 9 81 81 में 5 ऐड किया 86 का हमने 6 हमने लिख दिया और 8 कैरी चले गया हमारे पास। 9 1 9 8 ऐड किया तो हमारे पास क्या बन गया, 17 17 का 7 लिखा 1 कैरी चले गया। 9 1 9 6 54 54 में 1 ऐड किया 55। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने जब हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यू होती है, दो होती है तो हमने फर्स्ट मल्टीप्लाई लगाना होता है, अगर 3 वैल्यू होती है तो हमने जब थर्ड वैल्यू पे आना होता है तो हमने 2 मल्टीप्लाई लगानी होती है। अभी हम सेकंड वैल्यू पे हमने फर्स्ट मल्टीप्लाई लगाया हमने, फिर हमने क्या लिखना है, करना है 7 को मल्टीप्लाई करना है। अभी इस वैल्यू से 7 4 28 28 का 8 लगा और 2 कैरी चला गया। 7 6 42 42 में 2 ऐड किया 44 का 4 लगाया 4 कैरी चले गया। 7 9 63 63 में 4 ऐड किया, क्या बना हमारे पास, 54 में 4 ऐड किया हमारे पास 60। 63 में 4 ऐड किया 67 बन गया, 7 लगाया 6 कैरी चले गया। 7 10 7 7 में 3 ऐड किया 13 बन जाएगा, 3 लगा 1 कैरी चले गया। 7 6 42 42 में 1 ऐड किया 43। नेक्स्ट हमारे पास है 2, थर्ड वैल्यू हमने 2 मल्टीप्लाई लगा दी है, नेक्स्ट हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 4 8 8 लिखा, 2 6 12 12 का 2 लगा, 2 लिखा 1 कैरी चले गया। 2 9 18 18 1 19 19 का 9 लिखा 1 कैरी चले गया। 2 1 2 1 3 2 6 12 12 लिख दिया। अब हमने यहाँ पे आके क्या करना है, हमने एडिंग करनी है, 6 को हम जमा करेंगे मल्टीप्लाई में तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। 7 और 8 15 15 का 5 लिखा 1 कैरी चले जाएगा। 8 1 9 9 और 6 15 15 और 4 19 19 का 9 लिखा 9 लिखा 1 कैरी चले गया। 7 7 14 14 और 1 15 15 और 2 17 17 का 7 लिखेंगे 1 कैरी चले जाएगा। 9 और 1 10 10 और 5 15 15 और 3 18 18 का 8 लिखा 1 कैरी चले गया। 5 और 1 6 6 और 3 9 9 और 3 12 12 का 2 लिखेंगे 1 कैरी चले जाएगा। 4 1 5 5 और 2 7 1 का 1 आ जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास क्या वैल्यू आती है 1728 7956। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अपने समय पैक पर आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये देखें हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट दिस वर्टिकली एंड मल्टीप्लाई। हमने क्या करना है, वर्टिकली हमने इन वर्ड्स को मल्टीप्लाई, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट, हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये देखें ये शेप जो हमारे पास ऊपर से नीचे वाली शेप आती है, ये क्या है, हमारे पास वर्टिकली है, और जिस तरह हमें क्वेश्चन दिया गया है ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल है। सोल्यूशन हमारे पास वैल्यू है 80093 मल्टीप्लाई 200। सोल्यूशन है हमारे पास, हमने वैल्यू लिख ली। आपको पता है हम जब भी किसी जीरो को किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब में हमारे पास जीरो ही आता है, इसलिए हम 03 10 0 09 10 0 00 10 0 00 10 0 08 10 0। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड वैल्यू पे हमने करना है तो मल्टीप्लाई लगा देंगे, 03 10 0 09 10 0 00 10 0 00 10 0 08 10 0। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वैल्यू है तो हमने 2 मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 द 6, 2 8 द 18, 18 का 8 लिखेंगे 1 कैरी जाएगा, 2 0 द 0, 1 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, 2 0 द 0, 2 8 द 16, 16 लिख देंगे हम। अब एडिंग करनी हमने, 0 में मल्टीप्लाई में 0 प्लस करें 0, 0 में मल्टीप्लाई प्लस करें 0, 0 में 6 प्लस करें 6, 0 में 8 प्लस करें 8, 0 में 1 प्लस करें 1, 0 में 0 प्लस करें 0, 6 का 6, 1 का 1। ठीक है, यानी हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 1601 8600। ये हमारे पास क्या है, आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट क्या था, हमने आंसर लेना है यानी आंसर निकालना है। ठीक है, आंसर क्या है, हम इसका मल्टीप्लाइंड हमारे पास ये है और मल्टीप्लाई क्या है हमारे पास ये। आज हम सॉल्यूशन देखते हैं, ये देखें मल्टीप्लिकेंड है हमारे पास 5829 और मल्टीप्लाई है 431। सॉल्यूशन में हमने लिखा हमारे पास ये क्या वैल्यू होती है, ये मल्टीप्लिकेंड होती है, और ये वैल्यू क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई टायर। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास क्या होती है, प्रोडक्ट। आइए देखते हैं, फर्स्ट वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है, 1 है हमारे पास, 1 9 द 9, 1 2 द 2, 1 8 द 8, 1 5 द 5। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 3 वैल्यू है तो हम मल्टीप्लाई लगा देंगे, 3 9 द 27, 27 का 7 लिखेंगे और 2 कैरी चले जाएगा, 2 3 द 6, 6 और 2 8, 8 लिख देंगे, 3 8 द 24, 24 का 4 लिखेंगे और 2 कैरी चले जाएगा, 3 5 द 15, 15 और 2 17, 17 लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू क्या है, 4 है और हमने डबल मल्टीप्लाई लगा दिए, 4 9 द 36, 36 का 6 लिखेंगे, 3 कैरी चले जाएगा, 4 2 द 8, 8 और 3 11, 11 का 1 लिखेंगे और 1 कैरी चले जाएगा, 4 8 द 32, 32 और 1, 33, 33 का 3 लगेगा और 3 कैरी चले जाएगा, 4 5 द 20, 20 और 3 प्लस करेंगे 23 हो जाएगा, 23 लिख दिया। अब हमने एडिंग करनी है, 9 में मल्टीप्लाई करें, 9 में मल्टीप्लाई ऐड करें तो हमारे पास 9 आता है, 7 और 2 9, 8 8 16, 16 और 6, 22, 22 में 2 लगा और 2 कैरी चले गया, 5 5 4 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 का 2 लिखा 1 कैरी चले गया, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 लिखेंगे 1 कैरी चले जाएगा, 4 3 और 1 4, 4 और 1 5 और 2 का 2, यानी हमारे पास आंसर क्या आता है, प्रोडक्ट क्या आता है, 2 5 1 2, 2 9 9,
स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 7। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी और आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो उनसे क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।